जो देश में बहस एक छिड़ी है बीते दौर में भी कोट अनकोट राष्ट्रवाद मैं आपकी इन्हीं बातों से उस लाइन को आगे ले रही जी 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 उसे आप किस तरह से देखते हैं खुद को इस बहस में कहा पाते हैं मैं तो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूं बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक आई डोंग टू एनी पोलिटिकल पार्टी दूसरा राष्ट्रवाद वो जो बहस में और सुर्खियों में दिखाई देता है वो तो बकवास है वो बिल्कुल बकवास है देखिए ऐसा है इसी और टाइम पे बुलाइएगा तो फिर हिंदुस्तान की या भारत की भारत इस देश का नाम भारत ध्यान रखना इंडिया और हिंदुस्तान नाम इन्वेडर्स ने दिया है आपको कभी वर्ष पहले एलेक्सेंडर जब आया तो उसने कहा इंडस सिविलाइजेशन जो है उसके बाद जब दूसरे लोग आए आपके देश का मूलभूत नाम है भारत शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम का प्रतीक भारत के नाम भारत के नाम पर आपका देश है किसी जगह तो एक रहो यार नाम भारत है हिंदुस्तान है इंडिया है सो so, हमारे ऊपर विदेशी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा रहा है तो यानी रेलवे स्टेशन से लेकर जगहों के जो नाम बदले जा रहे हैं उससे आप इतफाक रखते हैं देखिए मैडम बात ऐसी है कि आप जिस दिन विजेता होंगी हर विजेता अपना नुकूत अपने चिन्ह छोड़ के जाता है जिस दिन आप नेता हो जाए आपके हाथ में सत्ता आ जाए तो आप बदल दीजिएगा कौन मना कर रहा है? जिस दिन आपके हाथ में सत्ता आ जाए अमरीका जहां जहां गया उसने चीजें अपने हिसाब से की हैं। ध्यान रखिएगा ब्रिटिशर्स तो अभी कुछ साल पहले आए थे उससे पहले मुगल आए लोधी आए पठान आए जो जो विजेता बनेगा वो अपने चिन्ह अपने इमकानात अपने नुकूत उन लोगों के ऊपर छोड़ेगा जिनके ऊपर उसने राज किया है अगर अगर आपके देश ने कहीं जीता होता तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन पे माइकल जैक्सन और वो लेडी गागा का नहीं पंडित भीमसेन जोशी का गायन हो रहा होता आपने कभी कुछ जीता ही नहीं है आपने कुछ जीता ही नहीं है लेकिन आपके देश के अंदर बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं आपके देश की वैज्ञानिक चेतना किसी से कम नहीं थी वराहमीर थे आर्यभट्ट थे रामानुज थे शंकर थे सुश्रता थे चारवाक जैसे लोगों की विराट परंपरा रही है लेकिन आपने उस वैज्ञानिक चित्त को उस वसीयत को कभी आगे बढ़ाई नहीं इसलिए जो कौम अपनी वैज्ञानिक चित्त को और वसीयत को आगे नहीं बढ़ाएगी उसका हारना सुनिश्चित है जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार हम है जिम्मेदार मैं हूं जिम्मेदार आप हैं जिम्मेदार यहां बैठे हुए तमाम लोग हैं जब तक ये देश कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा इसी तरह से छोकरियों की तरह बातें होती रहेंगी देश का कोई भला नहीं होगा आइए गली गली, गली, गली नुक्कड़ नुक्कड़ के ऊपर चर्चा की जाए कि हमारी पतन के कारण क्या हैं? क्यों लड़ते हैं धर्म जाति संप्रदाय अंचल भाषा के नाम पर एक नहीं हो सकते अरे कम से कम भारत माता के नाम पर एक हो जाओ ना वो, वो कहेंगे भगवा वो कहेंगे हरा वो कहेंगे सफेद तुम तिरंगे टिके रहना उसी में तुम्हारा भविष्य है उसी में तुम्हारा मुस्तकबिल है उसी में तुम्हारा फ्यूचर है इसके अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा ये बोलेंगे पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन को क्यों दोष देते हो यार पॉलिटिशियन कोई मंगल ग्रह से थोड़े आया है नहीं तिरंगे पर तो सभी एक साथ खड़े होते हैं खड़े हुँगे? कोई डाउट नहीं है लेकिन रात ग्यारह बजे अगर फिल्म का कोई शो है और उससे पहले अगर राष्ट्रगान होना है तो आप उस बात से इतफाक रखते हैं बिल्कुल क्या? रखता कि थोपा जाए तो वो एक्सेप्ट किया जाए कबूल किया जाए बिल्कुल बिल्कुल हर स्वतंत्रता हर स्वतंत्रता बंधन में होती है आप किसी भी धर्म के विशेष किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति से कहेंगे कि भाई तेरे धर्म विशेष ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं वजू करना है ना नमाज आती है मुझको ना वजू आता है सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है वजू करने के कुछ तरीके होते हैं और जब इतनी बड़ी छत्ता है कि एक उधर जा रहा और एक उधर जा रहा है तो किसी जगह के ऊपर हमें एक जगह के ऊपर डिसिप्लिन में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि आपकी कौम आपका देश नि करप्ट और इनडिसिप्लिन लोगों का है बस खत्म बड़ी, बड़ी सिंपल सी बात है खड़े हो जाइए ना आपको प्रॉब्लम क्या है खड़े में? मैं आपकी पर्सनल बात इसे, नहीं लेकिन इसे नियम बनाया जाए बिल्कुल नियम नियम बिल्कुल नियम निया निया। बनाया जाए बिल्कुल नियम बनाया स्वता जाए मैडम स्वतः ना आए किसी के मन से ही। नहीं स्वतः वो आपके मन में आएगा नहीं स्वतः लाने होते तो आप न शक से हारते नूं से हारते ना लोधी से हारते न पठान से हारते ना अंग्रेज से हारते ना मुगल से हारते आपके अंदर है ही नहीं वो दम और अभी जो आपको सोसाइटी में विभाजन दिखाई देता है उसे आप कैसे कौन सा विभाजन विभाजन तो बहुत पहले से है भाई जो बयानों का ध्रुवीकरण बयान, होता बयान है बयान की बात मत कीजिए बयान बयान तो ये पॉलिटिकल सारा चलता रहता है और चलता रहेगा आपको डलहौजी का नाम मालूम है उसने तो क्लियर कट पॉलिसी बनाई थी डिवाइड एंड रूल तुम्हारा मुस्तकबिल वही है फूट डालो और राज करो ठीक है <laughs> आप आज भी देख रहे हैं इस राजनीति को हा ना वो तो हमेशा से है आप उसके बगैर अपना पॉलिटिकल करियर सरवाइव ही नहीं कर सकते आप और मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिएगा अगर भारत ने अपना चिंतन और अपनी जीवन की शैली अपने समाज का ढर्रा चेंज नहीं किया और ड्रास्टिक चेंज नहीं किया तो अंजाम यही होता रहेगा नेताओं को गाली देना कोई भी नेता हो कोई भी किसी भी पार्टी का हो बड़ा आसान है कि मैंने अपना सब कुछ उसके ऊपर थोक दिया नेता बाहर से नहीं आता है आप दोष लगाते हैं कि नेता भ्रष्ट हो गए अरे भ्रष्ट जनता के भ्रष्ट नेता होते हैं आपके यहां जो भी अच्छा आदमी भी आएगा तो यह समाज का सिस्टम आपको अच्छा नहीं रहने देगा आइए बैठ के फिर चिंतन करते हैं पूरे देश में आओ ना किसी पॉलिटिकल मत होना निष्पक्ष भाव के साथ रैशनल होके तटस्थ भाव के साथ आइए चिंतन करते हैं मनन करते हैं अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं जो देश और मातृभूमि के संदर्भ में जो कल्याणकारी होगा उसको फॉलो फॉलो कर एक नाराजगी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है इस व्यवस्था को देखकर या जो भी तकलीफें अभी समाज में दिखाई दे रही हैं लेकिन इन सबके बीच सवाल ये कि क्या आपको लगता है आवाज दबाने की भी एक कोशिश सोसाइटी में दिखाई देती है नहीं कि नहीं अगर नहीं। विरोध का एक स्वर दिखाई देता है उसे दबाने के लिए बाकी लोग आगे आते हैं क्या ये आप महसूस करते हैं जो मैं विभाजन को लेकर भी आपसे सवाल अरे भाई मैं मैं आपके चैनल के ऊपर इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैडम आज से पचास साल पहले बोलता होता तो मेरी बीवी को उठा के लेके जाते हैं यहाँ से क्या बात करें आप बहुत अच्छा टाइम है बहुत अच्छा समय है मीडिया इतना पावरफुल है मैडम मैडम इतना पावरफुल है आपसे मैं सच बोल रहा हूं आपको भाई लोग बात पुलिस वाले से डरे या नहीं डरे नेता की गुंडागर्दी से डरे या नहीं डरे लेकिन मीडिया से लोग डरते हैं इससे बड़ी क्या बात मीडिया इतना पावरफुल स्तंभ है इससे बड़ी क्या? और यह आवाज दबाई जा रही है और उठाई जा रही है बकवासे इनमें मत पड़ी है अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए ये शेर पॉपुलर मोरिटी का है शायद मेरे हिसाब से आज से तीस साल पहले लिखा था उसने अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए तीस साल पहले का शेर है अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए और मवालियों को ना देखा करो हकालत से न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए आज की बार चलो ना आजा चल धनो जी जी